लॉट गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने लाइफ के सबसे बेस्ट डिसीज़न के बारे में कि मेरी लाइफ में वैसे बहुत से मैंने डिसीजंस लिए हैं, पर जो मेरा सबसे बेस्ट डिसीज़न था मेरी लाइफ का वो था नर्सिंग करना। तो जब मैंने नर्सिंग ज्वाइन करी तो मतलब जब से भी नर्सिंग करी है ज्वाइन, तो प्रोफेशनली, मेंटली, फाइनेंशली ग्रो ही किया है मैंने। और जो लोग ये कहते हैं कि नर्सिंग ये करना का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए जस्ट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया नर्सिंग करने में, बहुत से लोगों ने डिस्करेज भी किया, डीमोटिवेट किया कि तेरे से नहीं हो पाएगी, तू कहाँ नर्सिंग कर लेगा। बट थैंक्स टू गॉड कि मैंने अपनी नर्सिंग करी, छोड़ी नहीं, और ये डिसीज़न लिया कि मुझे नर्सिंग करनी है। तो कह सकता हूँ कि ये मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीज़न है। और नर्सिंग करना जस्ट ये नहीं है कि वैसे तो अगर हमें नॉलेज नहीं है, अगर हम किसी चीज़ उसे सीरियसली नहीं लेते तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप खुद अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और बस और क्या मैं बताऊँ कि ये कहना चाहता हूँ आप लोगों की कि अगर आप आ गए हैं इस प्रोफेशन में ना, नर्सिंग में अगर आप लोग आ चुके हैं, तो उसको सीरियसली लीजिए, ठीक है। और उसमें ये नहीं है कि कुछ भी ना, क्योंकि हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक इंसान की हमारे हाथ में लाइफ होती है, तो सीरियसली लेना चाहिए। और अपनी नॉलेज हमेशा इन्हेंस करते रहिए, देखिए कैसे कैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, वीडियो देखो या कोई बुक्स वगैरह पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जितनी आपको नॉलेज होएगी लोग उतना ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो और बस यही चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता लाइफ में ना, वो आप आगे निकलोगे ही निकलोगे। बस सपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने प्रोफेशन पे कॉन्फिडेंस रखिए, उसकी डिग्निटी मेंटेन करके रखिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अभी और भी ब्लॉग्स आएंगे जिसमें सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, कहाँ से करी, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली OET करने के लिए, CBT के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने सब सेल्फ स्टडी करी है। तो कैसे करी है, कहाँ से करी है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अदरवाइज सारा कुछ तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा अपना, आगे हर एक चीज़ पे, टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे वीडियो आएंगी। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज भी कोशिश करूँगा मैं बनाने की, जिसमें नर्सिंग के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही जस्ट। और बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमने नर्सिंग करके गलती करी है, क्योंकि देखो मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है नर्सिंग का, और मुझे बहुत फ़ायदा है, और बहुत मैं प्राउड फील करता हूँ कि नर्स बना मैं। तो होप आप लोग भी ऐसा ही फील करें, और अपने प्रोफेशन को इज्जत दें, अपने टाइम की कदर करें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आगे मिलते हैं अपने व्लॉग के साथ। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो बाय, हैव अ गुड डे।